जनपद शाहजहांपुर में भावलखेड़ा से ग्राम पंचायत बरमोला अर्जुनपुर में अकरम खान को 51 मतों से जीत हासिल हुई, जिनको 51 मतों से प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं उनकी ग्राम पंचायत बरमोला अर्जुनपुर की जनता भी काफ़ी खुश नजर आ रही है। ग्राम पंचायत बरमोला अर्जुनपुर की जनता ने खुद कहा, मुझे इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं विकास कार्यों हेतु, क्योंकि इन्होंने मेरा सुख दुख में हमेशा साथ दिया, उसका रिजल्ट मैंने दिलवा दिया। वहीं प्रधान अकरम खान ने कहा, मुझे विजय प्राप्त करवाने पर सबसे पहले तो मैं अपनी ग्राम पंचायत बरमोला अर्जुनपुर की समस्त सम्मानित जनता को विजय की बहुत बहुत बधाई एवं आगामी ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत बरमोला अर्जुनपुर की जनता ने मेरा दिल खोल कर साथ दिया, जनता के सहयोग व आशीर्वाद से मुझे विजय प्राप्त हुई। मैं तो यही कहूँगा कि बल्कि मेरी ही नहीं, मेरी ग्राम पंचायत अर्जुनपुर की समस्त सम्मानित जनता की विजय हुई है। विकास कार्यों की बात करें तो पिछली बार से भी ज़्यादा विकास कार्य करवाऊँगा और जनता के सुख दुख में हमेशा साथी हूँ और रहूँगा। भावलखेड़ा की ग्राम पंचायत बरमोला अर्जुनपुर में जहां मोहम्मद अकरम खां को ग्राम प्रधान पद पर 51 मतों से प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित किया गया, हम बात करेंगे उन्हें ग्राम पंचायत बरमोलापुर की जो जनता है जो हमारे सामने बैठे हैं। क्या नाम है आपका? शौकीन खान। शौकीन खान जी, ये बताइएगा, प्रधान तो प्रत्याशी तो बहुत थे, इनको ही क्यों जितवाया, आखिर इनसे ऐसा क्या लगाव रहा है? आखिर और भी प्रत्याशी हैं, काफी बौखलाए भी नजर आ रहे हैं, और मतलब इनको ही क्यों आपने जितवाया, ऐसा क्या लगाव रहा? लगाओ कह रहा हूँ जी, पहली बार हो रहे हैं, बिल्कुल कार्य देखी और लोगों ने कुछ कार्य नहीं करो, 5 साल प्रधान लोगों ने तो कुछ नहीं करो। अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो अकरम खान से आपको कितनी उम्मीद है विकास कार्यों के लिए? बहुत उम्मीद है, से ज्यादा। आप ये प्रधान कभी नहीं थे तो भी इन्होंने आपका कभी साथ दिया? बिल्कुल साथ दिया। बैठे हैं एक बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? जो बरमोला अर्जुनपुर के ही हैं, आप सभी दर्शक देख रहे होंगे और इनसे हम बात करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जाहिद खान। जाहिद खान जी से हम बात करेंगे, ये बताइएगा प्रत्याशी तो और भी थे, इनको क्यों जितवाया, इनसे आखिर लगाव क्या रहा? हम तो जानते हैं और भी लोग जान जाए जी, हमारे गाँव पब्लिक का सुझाव बढ़िया समझ गए, इन्हें इनमें बढ़िया लगा आपको, इन्होंने आपकी कड़ी मदद की, अरे आपकी मदद की इन्होंने, मदद करी हमारे गाँव पब्लिक ने, अच्छे समझ गए। मौजूद है भावलखेड़ा की ग्राम पंचायत बरमोला अर्जुनपुर में जहां मोहम्मद अकरम खां को ग्राम प्रधान पद पर 51 मतों से प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। बरमोला अर्जुनपुर की जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। जनता से मैंने सीधी बात की तो जनता काफी इनकी तारीफ भी करती नजर आ रही है, विकास कार्यों से काफी उम्मीद है। अब हम उन्हीं से बात करेंगे जो प्रधान पद पर जो प्रत्याशी है, मतलब उनको विजय प्राप्त हुई 51 मतों से, जो वर्तमान में प्रधान है मोहम्मद अकरम खान जी। बताइएगा अपनी ग्राम पंचायत बरमोला अर्जुनपुर की क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी ग्राम पंचायत बरमोला अर्जुनपुर को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सभी ने मेरा दुख और सुख में साथ दिया है, मैंने भी उनका सुख दुख में साथ दिया है, और उन्होंने मुझे चाहा, उन्होंने मुझे खड़ा किया। आपने विकास कार्य के लिए कुछ चुनाव के पीरियड में वादे भी किए होंगे, जनता के विकास कार्यों के लिए और जनता की हर उम्मीद पर कितना खरा उतरने का आप प्रयास करेंगे? मेरी जहां तक है मैं 95% खरा उतरने के लिए तैयार हूँ जी। ये बताइएगा मोहम्मद अकरम खान जी, प्रत्याशी तो और भी थे, और आपकी जो है बरमोला अर्जुनपुर में काफी चर्चा का विषय बना है, बहुत जनता प्रशंसा कर रही, जनता काफी खुश नजर आ रही है, ऐसा आखिर आपसे ही क्यों रहा है, आपको ही प्रधान क्यों बनाया? मेरा व्यवहार ही ऐसा है, सब लोगों से भाईचारा है और मैं व्यवहार से सब लोग रहते हैं यहाँ पे। और विकास कार्यों की बात करें तो कितना परसेंट आप विकास कार्य कराएंगे? 90% या 95% विकास कार्य हम करवाएंगे, और जनता की हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे। भावलखेड़ा की ग्राम पंचायत बरमोला अर्जुनपुर में जहां मोहम्मद अकरम खां को ग्राम प्रधान पद पर 51 मतों से प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित किया गया, उनसे हम बात करेंगे हमारे साथ।